हज 2024 के आदमी ने हज के काफिलों की रवानगी का 8 मई यानी कल से आगाज़ हो रहा है और तेलंगाना हज कमेटी के हज कैंप का आगाज़ हो चुका है। नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में हमेशा की तरह हज कैंप का आगाज़ हो गया है, जहां 8 मई को पहले काफिले के आदमी ने हज ने रिपोर्टिंग करते हुए अपना लगेज जमा करवा रहे हैं। पहले काफिले की रवानगी चारशुंबे की रात 11:15 बजे होगी और सऊदी एयरलाइंस की खसूसी परवाज़ से 225 आज़मीन हैदराबाद से रात मदीना मुनवरा रवाना होंगे। तेलंगाना के आज़मीन कई सालों बाद हैदराबाद से रात मदीना मुनवरा रवाना हो रहे हैं, जबकि साबिक में आज़मीन रात जिद्दा रवाना होते रहे जबकि वापसी मदीना से होती थी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हैदराबाद इंबारेक्शन पॉइंट के लिए सऊदी एयरलाइंस की परवाज़ों का इंतखाब किया है। हज कैंप के आगाज़ के साथ ही हज हाउस नामपल्ली में सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी है। आज़मीन को रवानगी से 48 घंटे कबल रिपोर्टिंग की हिदायत दी गई थी। शहर से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन रिपोर्टिंग के बाद अपनी खैमगाह वापस हो रहे हैं और रवानगी से 4 घंटे कबल हज हाउस पहुँचेंगे। अजला से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन के लिए कैंप में रिहायश और ताम का इंतजाम किया गया है। पेश है इस खसूस में हज हाउस के कुछ झलकियाँ। रिपोर्ट siyasat.com।